पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने की कोशिश करने वाले काली नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेता की पहचान जूथ काली दल के उप प्रधान दीपू शर्मा के तौर पर हुई है, जो लुधियाना के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि लाल चौक श्रीनगर का सबसे संवेदनशील इलाका है, ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काली कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, बाद में उसे छोड़ दिया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर अकाली कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि अकाली दल के दोनों कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सम्मान देने के लिए शहर में क्लॉक टावर तथा लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी।